अध्यादेश के मुद्दे पे और सभी पार्टियां अपने स्टैंड स्पष्ट करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत गंभीर बात उस पत्र में लिखी है, और कोई भी संविधानविद, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जूरिस्ट इस बात को समझेगा कि जिस तरीके से एक ऑर्डिनेंस लाके दिल्ली की सरकार की शक्तियों के ऊपर केंद्र ने कब्जा कर लिया, हूबहू उसी तरीके से, उसी तरीके के ऑर्डिनेंस से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कब्जा कर सकती है। कोई भी सरकार कर सकती थी, मगर किसी ने ये लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म। ये संकेत बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। दिल्ली अक्सर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की प्रयोगशाला रहा। सबसे पहले एलजी द्वारा मुख्यमंत्री को परेशान करना, चुनी हुई सरकार के कामों में अड़चन लगाना सबसे पहले दिल्ली के अंदर प्रयोग किया गया। कांग्रेस और अन्य पार्टियां उस समय नहीं समझी, उनके नेता अक्सर एलजी की तरफदारी करते थे, मगर सेम वही प्रयोग, बिल्कुल वही हूबहू कांग्रेस के मुख्यमंत्री पुडुचेरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की एलजी किरण बेदी ने किया। और उसके बाद तो अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी सुनने में आता है, केरल में रोज सुनने में आता है, जहां जहां पे भी जो है गैर भाजपा की सरकार है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, ये तो रोज समझ में आता है। तो ये प्रयोग जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है, मगर इसको दोहराया हर गैर भाजपा के राज्य में जाएगा। और फिर जिस तरीके से कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी देश पर चाहती है, उसके द्वारा, उस अध्यादेश के द्वारा वो सभी राज्यों के ऊपर 33 के 33 राज्यों को खुद जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चलाएगी। सारी की सारी जो राज्य सरकारें हैं वो निष्क्रिय कर दी जाएंगी, उनको पंगु बना दिया जाएगा, वहां पे कोई काम जो है आप नहीं कर पाएंगे। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।